चलिए जी, तो हम बात कर रहे हैं बेटा सबसे पहले डाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? यस, कौन बता रहा है बेटा? सेवंथ ए में से बचे गुरजोत। गुरजोत इज देयर, सेवंथ ए गुरजोत। हाँ जी बेटा, माइक के पास आके बताओ डाइजेशन क्या चीज है, जोर से बोलो। हाँ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। यस, बैठो गुरजोत, थोड़ा सा इसको और क्लियर करो। एनी स्टूडेंट हु वांट टू इलेबोरेट, ये गलत नहीं है, वेरी गुड गुरजोत, बट थोड़ा सा और इलेबोरेट करो। डू यू नो एनी इलेबोरेशन? कौन से फूड को कौन से फूड में तोड़ता है? यस, देयर इज वन स्टूडेंट गुरजोत, आप बैठो बेटा, वेरी गुड। हाँ जी बेटे, आप आके बताओ। सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल होता है। दो कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड, क्या नाम है बेटा आपका दोबारा दो से? ओके बेटा बैठो, वेरी गुड। तो यू हैव टोल्ड मी दैट, बिल्कुल ठीक आपने बताया, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड। बट बात आ जाती है कॉम्प्लेक्स फूड क्या है। एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स फूड? आपने बिल्कुल ठीक बताया, व्हाट इज डाइजेशन। ध्यान से एवरीबडी, मैम ने क्वेश्चन दे देना, व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सोल्यूबल फूड। यस और नो एवरीबडी? है ना, सिंपल सोल्यूबल फूड। बट कॉम्प्लेक्स फूड क्या है, सिंपल फूड क्या है? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? चलिए हम इसी के बारे में पहले बात करें। डाइजेशन सबको पता चल गया, कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है बेटा कि ये सब, ये छोटे छोटे यूनिट्स है, ठीक है, ये सब जो है एक माला में जुड़ गए, जब ये एक दूसरे से बाइंड कर जाए ऐसे करके, मतलब इसी को ही मैं थोड़ा सा मैग्निफाई करके बड़ा करके दिखा रही हूं, ऐसे करके बहुत सारी चेन्स है। ये यूनिट्स है फूड के, ये बीच में धागा है, बॉन्ड है, दिस इज कॉम्प्लेक्स फूड। नहीं है तो चाहिए, रख मेरे पास है सब कुछ, ठीक है, अभी कुछ नहीं चाहिए। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स फूड कि जो जिसमें बहुत छोटे छोटे यूनिट्स जो है वो जुड़े हुए हैं धागे से, और वो धागा क्या है, बॉन्ड है, केमिस्ट्री में उसको बोलते हैं बॉन्ड, दिस इज कॉम्प्लेक्स फूड। और जब हम इसके मोती अलग अलग कर देंगे, इस धागे को, बॉन्ड्स को बीच में से तोड़ देंगे, तो हमें इस तरह से मिल जाएंगे सिंगल सिंगल बीड, एक एक मोती मिल जाएगा, एक एक फूड का कंपोनेंट मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज मोनोमर। मोनो मतलब सिंगल यूनिट, पॉली मीन्स बहुत सारे, एक एक जब यूनिट अलग अलग हो जाएगा, एक नेकलेस में से एक एक मोती अलग अलग हो जाएगा, तो उसको हम कह देते हैं दैट इज डाइजेशन। इस माला को जब तोड़ा, इसका धागा तोड़ा, एक एक मोती अलग हो गया, तो इसको हमने कहा डाइजेशन। दिस इज कॉम्प्लेक्स फूड हैव विच इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स, आपने याद रखना है, बट इज ये माइंड में रखना, मैम ने नहीं पूछना कॉम्प्लेक्स फूड क्या है। कॉम्प्लेक्स फूड इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स। ये वर्ड्स याद रखो, आगे आगे चीजें आएंगी, केमिकल बॉन्ड, दिस इज कॉम्प्लेक्स फूड। व्हेन कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन, द स्मॉल यूनिट गेट सेपरेटेड, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल फूड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ग्लाइकोजन की बात ना करके यहाँ पे बात कर लें स्टार्च की। स्टार्च का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है, स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स फूड। व्हेन इट ब्रेक्स इट फॉर्म्स ग्लूकोज। ये एक सिंगल यूनिट है, आप ये देखो कि दिस इज सिंगल यूनिट, एक मोती है ये,
दिस इज सिंगल बीड, सिंगल यूनिट, दैट इज ग्लूकोज. व्हेन स्टार्च, ये स्टार्च जब टूटता है तो ये एक मोती, ये जब टूटा तो क्या हुआ, ऐसे ऐसे ये अलग अलग हो गए, और इस एक मोती को ये बड़े करके दिखा दिया है, दिस इज ग्लूकोज. सो स्टार्च इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इज इट ओके? स्टार्च किसका बना हुआ है, बहुत सारे ग्लूकोज का बना हुआ है. ये हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या करती है, ग्लूकोज बनाती है, और बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बना देते हैं, स्टार्च बना देते हैं. यस, तो और जब स्टार्च टूटेगा तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे, यस और नो? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? इट इज पॉलीमर, इट ब्रेक्स इनटू मोनोमर. सिर्फ ग्लूकोज नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं. मोनोमर इज सिंपल फूड, यस और नो? ठीक है, चलिए. जैसे अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की, कॉम्प्लेक्स फूड जैसे आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, इट ब्रेक्स इंटू सिंपलर फूड दैट इज ग्लूकोज. ठीक है, ये इस तरह से ज्वाइंट था, जब ये टूटा तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए. यस और नो, दिख रहा है आपको? उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन इज ए कॉम्प्लेक्स फूड एंड इट ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स क्या है, सिंपल की कॉम्प्लेक्स? सिंपल सिंपल, याद करो मैंने अभी पूछना है. उसके बाद फैट्स, फैट्स क्या है, ये देख रहे हो आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं. इट इज ए कॉम्प्लेक्स इट ब्रेक्स डाउन इनटू फैटी एसिड, फैटी एसिड इज ए सिंपल सिंपल फूड. ठीक है, तो अगर हम देखें अगर हम दोबारा से अगर देखें कि अब मैं ग्लूकोज फैटी एसिड्स प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स स्टार्च फैट. अब मुझे ये बताइए कि अब नाउ आई विल आस्क समबडी, दैट इज भावना जोशी. भावना जोशी इज देयर, सेवंथ है. हाँ जी बेटा, माइक उठा के जोर से बोलना बेटा, कि आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये जो है ग्लूकोज सिंपल फूड है कि कॉम्प्लेक्स फूड है. भावना, सिंपल सिंपल फूड बेटा, कोई और नहीं बताएगा, जिसको बुलाया जाए वही बताएगा. ठीक है, वेरी गुड भावना, इट इज ए सिंपल फूड. बैठो बेटा, ठीक है, नो बडी एल्स. अब एक और बता दो फिर, फैटी एसिड क्या है, सिंपल की कॉम्प्लेक्स? इट इज सिंपल फूड, वेरी गुड. अब अपनी सीट पे बैठो. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए, सेवंथ बी भरत. सेवंथ बी भरत, अपने माइंड में थोड़ा सा ये सोचो कि स्टार्च व्हेन डाइजेस्टेड फॉर्म्स व्हाट. स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स फूड
दिस इज ए कॉम्प्लेक्स फूड एंड व्हेन इट इज डाइजेस्टेड इट फॉर्म्स सिंपल फूड, बट विच सिंपल फूड इज फॉर्म्ड? स्टार्च जब डाइजेस्ट, प्रोटीन्स और फैट? हाँ जी बेटा, प्रबनूर, सेवंथ है। स्टार्च डाइजेस्ट होकर क्या बनाएगा? जोर से बोलना है ना, माइक ऊपर उठा लो और फिर बोलो जोर से। अगर आप बोल रहे हो तो मुझे सुन नहीं रहा बेटा, बोलो जोर से। मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैम की आवाज सुन रही है इसका मतलब आप बोल नहीं रहे हो। अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, इन तीनों में से आपने बताना है मुझे कि स्टार्च जब टूटता है तो क्या बनाता है बेटा? ग्लूकोज। वेरी गुड, बैठो बेटा। नेक्स्ट, सेवंथ है अनामिका, मनस्वी। प्रोटीन्स जब टूटते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा? जोर से बोलो। इन तीनों में से क्या बनाते हैं, फैटी एसिड्स के अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स। वेरी गुड, बैठो बेटा मनस्वी। देन फैट्स, फैट्स व्हेन दे ब्रेक डाउन, मनवीर, सेवंथ ए, सेवंथ बी, नहीं सेवंथ बी, सेवंथ बी में से मनवीर। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फैट्स व्हेन ब्रेक डाउन दे फॉर्म, हम ग्लूकोस ए रब्बा, स्टार्च भी ग्लूकोज बना रहे थे, फैट्स भी ग्लूकोज बनाएंगे? बेटा ध्यान से सुना करो, कहाँ ध्यान होता है। फैट से फैटी एसिड, सिंपल। ये तीन ऑप्शंस आपको दी हुई है, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम करो। दो लिखी हुई है, तीसरी यहाँ पे होगी, नहीं भी पता होगा तो। हाँ फैटी एसिड फैटी एसिड बेटा, ठीक है? तो स्टार्च जब टूटेगा क्या बनाएगा एवरीबॉडी? फैट्स जब टूटेंगे तो क्या बनाएंगे? और जब प्रोटीन टूटेंगे तो क्या बनाएंगे? अमीनो एसिड। बट अब टूटेंगे कैसे? कैंची भी तो होनी चाहिए, कोई सीजर्स, नाइफ, कुछ तो होना चाहिए। बाहर से तो हम तोड़ लेंगे नाइफ से, बट अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नाइफ क्या है? कौन तोड़ता है? हु विल टेल मी? रेज योर हैंड। बेटा यस यस यस, फटाफट जो पता है वो बोलो बेटा, मैंने कौन सा आपको कान पकड़ने हैं? यस, रेज योर हैंड। कौन कॉम्प्लेक्स फूड को सिम तोड़कर सिंपल फूड बनाएगा? हाँ जी, कौन बता रहा है मुझे? दमन इज देयर, सेवंथ बी, दमन भाकर। कौन तोड़ेगा बेटा? कौन इनको ब्रेक डाउन करेगा? मैम एसिड्स प्रेजेंट इन स्टमक और एसिड के साथ साथ, डाइजेशन नहीं, डाइजेशन तो ठीक है, डाइजेशन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कौन करता है? बैठो, आप बैठो। एक गर्ल का हाथ खड़ा है बेटा। यस, सेवंथ बी। मैम नहीं, स्टमक में तो है, बट कौन? स्टमक में क्या है? आप बैठो बेटा, देर इज वन मोर गर्ल इन सेवंथ बी। मैम इंटेस्टाइन अरे ये तो पार्ट्स है ना जहां पे टूट रहा है, बट कौन तोड़ रहा है? एसिड्स एसिड्स प्रेजेंट इन द स्टमक और मुंह में स्टार्च टूट रहा है, कौन तोड़ रहा है? यस, देर इज वन स्टूडेंट मोर स्टूडेंट इन सेवंथ बी। यस, क्विकली कम।
मैम सलाइवा। मैम सलाइवा में क्या है? हाँ, आपकी मैम ने बताया जरूर है बट आपको याद नहीं है बेटा। बैठो। सो दीज सीजर्स आर एंजाइम। सुना है कि नहीं? है ना? तो यहाँ पे स्टार्च को कौन तोड़ता है? एंजाइम। कौन एंजाइम कौन सा है वो अभी हम बात करेंगे। प्रोटीन्स को कौन तोड़ रहा है? एंजाइम। फैट्स को कौन तोड़ रहा है? एंजाइम। राइट। तो अब ये एंजाइम कौन से है? चार्ज को है अमाइलेज। प्रोटीन को तोड़ता है पेप्सिन। एक और आ जाता है ट्रिप्सिन। और फैट्स को हम और क्या बोल देते हैं? लिपिड। और इसी से है लाइपेज। पढ़ो। तो हमारे माउथ में क्या टूटता है? स्टार्च, प्रोटीन्स की फैट। हमारे माउथ में किस फूड की डाइजेशन है बेटा? स्टार्च की, प्रोटीन्स की फैट्स की? स्टार्च की है, तो हमारे माउथ में कौन सा एंजाइम होगा? एमिलेस अमाइलेज। वेरी गुड। हमारे स्टमक में किसकी डाइजेशन है? प्रोटीन्स की। ठीक है। और हमारे स्टमक में कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन। हमारी इंटेस्टाइन में फैट्स टूटते हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम होगा? लाइपेज। ठीक है। इज इट ओके? चलिए जल्दी से फटाफट। सेवंथ ए, स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स फूड के सिंपल फूड? कॉम्प्लेक्स फूड। इट ब्रेक्स डाउन इनटू। सेवंथ बी, किसमें टूटता है स्टार्च? वेरी गुड। सेवंथ ए, विच एंजाइम ब्रेक्स स्टार्च इनटू ग्लूकोज? अमाइलेज। बोलो। यस, इट्स अमाइलेज। राइट। सो दोबारा से कि एंजाइम, पहली बात तो व्हाट आर एंजाइम? एंजाइम हेल्प्स इन जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हैं। हेल्प्स इन केमिकल रिएक्शन लिविंग सेल। जितने भी डाइजेशन नहीं, जो भी केमिकल रिएक्शंस है, एंजाइम्स काम करते हैं। डाइजेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। इन विच एंजाइम ब्रेक कौन सा फूड इनटू कौन से फूड में? कॉम्प्लेक्स यस, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। चार चीजें, कौन सा फूड है? कॉम्प्लेक्स वेयर इट ब्रेक? माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कि स्टमक में? माउथ। वेरी गुड। स्टार्च ब्रेक्स डाउन इन माउथ विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? नॉट एमीलेस, इट इज अमाइलेस। बोलो जरा।
एंड इट ब्रेक डाउन इन टू ग्लूकोज. देन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स इज ए कॉम्प्लेक्स फूड. वेयर इट ब्रेक विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? पेप्सिन प्लस एसिड प्लस HCl इनटू अमीनो एसिड. फैट्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फूड. हेयर इट ब्रेक इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन. एंजाइम कौन सा है? यस लाइपेज. किसमें ब्रेक डाउन करते हैं? फैटी एसिड. फैटी एसिड. वेरी गुड, यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट. याद रहेगा अभी आपको एवरीबॉडी, जो पीछे बैठे हैं, जो आगे बैठे हैं, जो बीच में बैठे हैं, सबको याद रहेगा. वेरी गुड. तो कार्बोहाइड्रेट सच एज कौन सा ग्लूकोज में टूटा? कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज में टूटा? स्टार्च. वेरी गुड, इट इज स्टार्च. किस एंजाइम से? अमाइलेज. किसमें टूटा? कौन सी शुगर में? ग्लूकोज. प्रोटीन कौन सा एंजाइम? पेप्सिन. HCl एंड पेप्सिन किसमें टूटे? अमीनो एसिड. फैट कहाँ पे टूटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. किसकी हेल्प से? लाइपेज. किसमें टूटा? लाइपेज. किस चीज में टूटा? कौन सा सिंपल फूड? फैटी एसिड. वेरी गुड, नाउ दिस इज क्लियर टू यू. उसके बाद बेटा अब एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा, व्हाई डू वी च्यू द फूड? बेटा एक तो हम ये कहते हैं इट इजीली मिक्सेस विद सलाइवा, है ना. च्यूइंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा. और दूसरी बात है बेटा, अब देखो ये एक बॉक्स है, दिख रहा है आपको? यस. कि कौन से सरफेसेस है? ये है दो तीन, इसके नीचे वाला चार पांच, इधर वाला छह, और एक उसके पीछे वाला सात. यस. 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस होते हैं. इसके ऑपोजिट दो दो, 6 सरफेसेस है ना. राइट right? जैसे ये है ना, ये 1 2 3 4 5 6. इज इट ओके? जब हम इसको तोड़ते हैं, इस बॉक्स को तोड़ा है ना, तो देखो ये वाला सरफेस तो वैसे ही रहा, नीचे वाला वैसे रहा, साइड वाला. बट अब यहाँ बीच में और सरफेसेस क्रिएट हो गए कि नहीं हुए? यस. ठीक है, तो जब नए सरफेसेस आ जाएंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा कि कम हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. अगर उसके आसपास हमने ज्यादा नेल्स लगानी है, अगर हमने यहाँ पे नेल्स लगानी है और यहाँ पे नेल्स लगानी है, तो 1 और 2 ज्यादा नेल्स किसमें लगेंगी? एक में कि दो में कि सेम लगेंगी? दो में ज्यादा लगेंगी, क्योंकि नए सरफेसेस आ गए या बीच में.
ठीक है, तो नेल्स आर से सिमिलर टू एंजाइम, ठीक है। तो अब एंजाइम ज्यादा किस पे एक्ट करेगा, वन पे कि टू पे? टू पे, मोर द सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया, मोर द एक्शन ऑफ एंजाइम। हमारे मुंह में कौन सा एंजाइम है बेटा? यस, स्टार्च, नहीं स्टार्च तो है, उसको कौन तोड़ता है? अमाइलेज, तो हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? अमाइलेज। उसके एक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? अपने फूड का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? चूइंग से। वेरी गुड। तो क्वेश्चन है, व्हाई डू वी च्यू द फूड? तो आंसर क्या आएगा? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया और मोर सरफेस एक्शन ऑफ एंजाइम अमाइलेज। व्हाई डू वी च्यू द फूड? एरिया फॉर इंक्रीज फॉर द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर ऑफ फूड, सो दैट देयर अकर्स मोर एक्शन ऑफ एंजाइम अमाइलेज, ठीक है। और सिंपल आप कह सकते हो, फर्स्ट व्हाई डू वी च्यू फूड, फर्स्ट है इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ फूड, और इसकी वजह से क्या होता है? मोर एक्शन ऑफ अमाइलेज। यस और नो? ठीक है, ये ब्रेड है, इसके चारों तरफ एंजाइम एक्ट कर रहा है, जब टूट जाएगा है ना, तो यहाँ पे भी एक सरफेस क्रिएट हो गया जिसके ऊपर भी एंजाइम एक्ट कर सकता है। यस और नो? जब हमने ऐसे तोड़ा तो और दो सरफेसेस क्रिएट हो गए, जब ऐसे तो फिर और, फिर और, तो इस तरह से चूइंग क्या कर रही है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है। ज्यादा सरफेस एरिया होगा, एंजाइम का एक्शन ज्यादा होगा। इज इट ओके? ठीक नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, अब जल्दी से। अब आपको रीजन असर्शन की चार चॉइसेस पता होती है कि नहीं? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर वन पढ़िए जल्दी से। डाइजेशन अपने मन में, मन में, मन में, इतनी जोर से नहीं, मन में। एंड बेटा, सेवंथ ए में से एकम जीत ने आंसर बताना है कि डाइजेशन, इसमें डाइजेशन इज ए केमिकल रिएक्शन, ट्रू है कि फॉल्स है? उसके बाद एंजाइम्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन डाइजेशन, ट्रू है कि फॉल्स है? एकम जीत, हाँ जी बेटा, एक्सप्लेन 1 मिनट। डाइजेशन इज ए केमिकल रिएक्शन, दिस इज ट्रू। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। और ये क्या डाइजेशन में एंजाइम्स का रोल कुछ होता है कि कोई रोल नहीं होता है? एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन डाइजेशन और नॉट रिक्वायर्ड इन डाइजेशन? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई कि ट्रू हुई? वाह बेटे उसको एकम जीत को बोलने दो, फॉल्स। और अगर बेटा स्टेटमेंट वन मतलब असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है, तो कौन सा आंसर आता है? रीजन हाँ, रीजन इज फॉल्स। तो ए बी सी डी, इनमें से कौन सी ऑप्शन आ जाएगी? सी सी ऑप्शन आएगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बैठो बच्चे, दिस इज ऑप्शन सी, आपको याद होना चाहिए है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाइए, सेवंथ बी, अमृतपाल।
इजेशन होता है जो फीसेस हम रिमूव करते हैं, जो फीसेस पॉटी जो होती है, दैट इज इजेशन, राइट। तो अब मुझे ये बताइए, इजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ट्रू है कि फॉल्स है बेटा? ट्रू ट्रू है, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। इजेशन अकर्स थ्रू एनस, दिस इज ट्रू कि फॉल्स? ट्रू, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट आपने बेटा मुझे ये बताना है कि क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है, मतलब ये इसको एक्सप्लेन कर रही है, इजेशन इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड बिकॉज इट अकर्स थ्रू एनस, कोई मतलब बना इसका? नो, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, बट स्टेटमेंट टू डज नॉट, या रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। कौन सी ऑप्शन हो जाती है ए बी सी डी में से? अभी बी ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड। बैठो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेवंथ बी, जसप्रीत। बेटे सिर्फ जसप्रीत आंसर देगी, है ना, कोई और नहीं, विस्पर नहीं करेगा कोई। HCl इज इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन, ट्रू है कि फॉल्स है? HCl इज एसिड, मैम ट्रू ट्रू। कहाँ पे होता है बेटा HCl? कोई और नहीं बच्चे, कोई और नहीं बोलेगा, प्लीज। हाँ जी जसप्रीत, हमारे माउथ में, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में। एसिड कहाँ पर होता है? HCl इज हाइड्रो, स्टमक स्टमक में होता है, वेरी गुड जसप्रीत। ठीक है, अब मुझे बताओ HCl का फंक्शन क्या है? क्या ये फंक्शन है, HCl एक्टिवेट एंजाइम पेप्सिन इन स्टमक? ट्रू मैम ट्रू है, चलिए ये भी आप, वेरी गुड। अब देखें हम, HCl इज इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन बिकॉज इट एक्टिवेट्स एंजाइम पेप्सिन इन स्टमक, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट टू या रीजन एक्सप्लेन असर्शन। आंसर क्या आएगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन एक्सप्लेन असर्शन, क्या आंसर आ जाएगा? चार ऑप्शंस होती है ना बेटा, ए मैम बी, ए ए ऑप्शन आ जाएगी, वेरी गुड। अच्छा जसप्रीत, अब आपने ना बहुत फेथफुली मुझे बताना है कि क्या ये आपने आंसर दिया कि बच्चों की विस्परिंग से आपने आंसर दिया? मैम नो, हमने दिया है आपने दिया पूरा आंसर, आपने दिया, मैम, यस बिल्कुल सच बोल रहे हो, मैम, यस वेरी गुड, हैव ए क्लैप फॉर जसप्रीत। ठीक है, वेरी गुड जसप्रीत, बकअप, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये आपको समझ में आया बेटा? ठीक Yeah. है, चलिए क्लैपिंग बंद अब। ठीक है, चलिए जी, तो दिस इज डाइजेशन। डाइजेशन में फटाफट से मैं बताती हूँ कि हमने मुंह खाया खाना, देन वी च्यू द फूड फॉर मोर एक्शन ऑफ अमाइलेज। अमाइलेज ने किसको डाइजेस्ट किया? स्टार्च को। फिर वो बाकी प्रोटीन्स और फैट्स तो अभी भी अनडाइजेस्टेड है, फिर दैट इज इंजेस्टेड इनसाइड, हमने अंदर गया। खाना कहाँ गया? फूड पाइप में कोई चेंज नहीं हुआ, फूड पाइप से गया स्टमक में, गया स्टमक में, एसिड है और पेप्सिन है। ठीक है, एसिड ने क्या किया, एसिड ने पेप्सिन को एक्टिवेट कर दिया। अब जो हमारे खाने में स्टार्च तो डाइजेस्ट हो गया था, जो हमारे खाने में प्रोटीन था, तो पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया अमीनो एसिड में। अब स्टार्च और प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए, क्या रह गए, फैट्स रह गए, तो सारे का सारा खाना गया इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आया एंजाइम लाइपेज, राइट। तो लाइपेज ने क्या किया, लाइपेज डाइजेस्ट फैट। ठीक है, तो हमारे ये तीन मेन कंपोनेंट डाइजेस्ट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत सारा जो डाइजेस्टेड फूड था वो चला गया ब्लड में, एब्जॉर्प्शन हो गई, और कुछ अनडाइजेस्टेड रह गया, दैट इज चेंज्ड इनटू फीसेस, पॉटी में चेंज हो गया, एंड दैट पॉटी इट कम्स आउट थ्रू एनस, इज इट ओके? ठीक है, तो अब ये तो था हमारा, हमारी न्यूट्रिशन का काम था। अब हम बात करते हैं बेटा,
नेक्स्ट हम बात करते हैं रूमिनेंट्स की। रूमिनेंट्स च्यू देयर कड, जो जुगाली करते हैं, जो जानवर जुगाली करते हैं। आपने गाय भैंसों को देखा है ना, वो मुंह क्यों करती रहती है, करती रहती है। पहले जब खाना है तो खाती है खाती रहती है, उसके बाद सारा दिन चबाते रहते हैं चबाते रहते हैं। तो दैट इज च्यू देयर कड। एंड व्हाट इज कड? कैन एनीबॉडी टेल मी कड का क्या मतलब होता है? यस, देयर इज वन हैंड इन सेवंथ बी। मैम, द फूड दैट गोज फ्रॉम दैट इज पास फ्रॉम ह्यूमन टू रेक्टिकुलम. ये आप, हाँ मैं थोड़ा सा मैं बताती हूँ। कड को हम सिंपल अगर इंग्लिश वाली भाषा में बोलें तो कड इज पार्शियल डाइजेस्टेड फूड। हाफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज कड। ठीक है, तो अब देखिए गाय भैंसे क्या करती है, खाना खाती है। क्यों नहीं करती? वो खाना उनकी फूड पाइप से कहाँ पे चला गया? र्यूमन में चला गया। र्यूमन क्या है? उनका कंपाउंड स्टमक का एक चैम्बर है। तो र्यूमिनेंट्स के पास क्या प्रेजेंट है? कंपाउंड स्टमक है। कंपाउंड स्टमक का क्या मतलब है बेटा? इट हैज फोर चैम्बर। कौन कौन से चार चैम्बर्स है? र्यूमन फर्स्ट, रेटिकुलम सेकेंड, थर्ड, एब्सिस्टम फोर्थ। ठीक है, चार चैम्बर्स है। इधर देखो ध्यान से, एवरीबडी हियर, फटाफट से हम करेंगे। फोर चैम्बर्स है। चैम्बर्ड स्टमक इज कॉल्ड एज कंपाउंड स्टमक। र्यूमन, बोलो मेरे साथ, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। फटाफट से, फर्स्ट इज, सेकेंड, थर्ड, ओमेसम, एंड फोर्थ एब्डोमेसम। चैम्बर्ड स्टमक इज कॉल्ड एज कंपाउंड स्टमक। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ भी करके दिखा दूं, ताकि अगर आपको ड्रॉ करना हो। ये ईसोफेगस है, ये उसका सारा र्यूमन वाला पार्ट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देयर इज प्रेजेंट अ स्मॉल चैम्बर कॉल्ड एज रेटिकुलम। देन देयर इज प्रेजेंट ओमेसम। देन देयर इज प्रेजेंट एबोमेसम अगेन। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज ऑल र्यूमन, दिस इज नहीं, ये है रेटिकुलम। रेटिकुलम किसमें गया और ओमेसम किसमें खुला? एबोमेसम। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। गाय ने, काऊ ने खाना खाया, पूरी घास खाई, तो खाना ईसोफेगस में से कहाँ चला गया? र्यूमन में। र्यूमन में क्या डाइजेस्ट हुआ बेटा? र्यूमन में डाइजेस्ट हुआ सेलुलोज। हम नहीं कर सकते, सिर्फ गाय भैंसे
हाथी या घोड़ा या ये, सिर्फ ये जो है ये घास में जो सेलुलोस है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्या? सेल्यूलोस। ठीक है, तो खाना पहले इसोफेगस में से कहाँ पे गया? र्यूमन में गया। र्यूमन में सेलुलोस इज डाइजेस्टेड, और कहीं भी सेलुलोस डाइजेस्ट नहीं होती, सिर्फ र्यूमन में होती है। और र्यूमन से फिर सेमी डाइजेस्टेड फूड सेलुलोस डाइजेस्ट होके फिर वापस मुंह में गया, जहां पे खाना आधा डाइजेस्ट हो गया, सेलुलोस डाइजेस्ट हो गया, फिर मुंह में गया, फिर दे च्यू देयर कट, वो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड था उसको उन्होंने आराम से चबाया, और फिर चबाने के बाद ये फूड दोबारा से आया, कहाँ पे आया? रेटिकुलम में। रेटिकुलम से कहाँ पे गया? ओमेसम से कहाँ पे गया? और एबोमेसम में क्या प्रेजेंट है? HCl एंड पेप्सिन। ठीक है, विच डाइजेस्ट प्रोटीन और फिर यहां से कहां पे चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट, तो पैसेज ऑफ फूड अगर हम देखें, दोबारा से अगर हम देखें, तो खाना सबसे पहले इसोफेगस, इसोफेगस से कहां पे गया? र्यूमन, और र्यूमन से फिर कहां पे गया? र्यूमन से फिर कहां पे गया? माउथ में गया, और माउथ से फिर कहां पे आया? रेटिकुलम से कहां पे गया? ओमेसम से, एबोमेसम से। अच्छा, अब हमारे स्टमक में HCl एंड पेप्सिन है, इनके कंपाउंड स्टमक में किस पार्ट में HCl एंड पेप्सिन है? एबोमेसम। वेरी गुड, सो एबोमेसम इज द, हम कहते हैं ट्रू स्टमक, विच हैज HCl प्लस पेप्सिन। सेल्यूलोस किस में डाइजेस्ट होता है बेटा? र्यूमन में, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड स्टमक? र्यूमन। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर हम दोबारा से देखें तो फूड, माउथ और बीच में क्या आ गया? ईसोफेगस। ईसोफेगस से कहां पे गया? र्यूमन। र्यूमन में क्या चीज हुई? डाइजेशन ऑफ सेलुलोस। डाइजेशन ऑफ सेलुलोस हुई, और फिर खाना फिर कहाँ चला गया? माउथ में, फिर दोबारा से च्यूइंग ऑफ कड हुई, और फिर वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड र्यूमन के थ्रू कहाँ पे गया? रेटिकुलम। रेटिकुलम से, ओमेसम से, एबोमेसम में फिर किसकी डाइजेशन हुई? प्रोटीन्स की डाइजेशन हुई, और फिर गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बार जल्दी से फटाफट से दोबारा से हम पैसेज करेंगे कि क्या पैसेज था फूड का? कंपाउंड स्टमक में सबसे पहले माउथ, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप। यहां से खाना कहाँ पे गया? र्यूमन।
रियूमन, रियूमन में क्या हुआ? डाइजेशन डाइजेशन ऑफ, ऑफ डाइजेशन ऑफ, सेलुलोज। वेरी गुड। रियूमन से खाना, सेलुलोज। वेरी गुड। रिवर्स पेरिस्टेल्सिस बोलते हैं हम बेटा इसको, रिवर्स पेरिस्टेल्सिस। अगर जो हमारा माउथ से नीचे की तरफ जा रहा है वो है पेरिस्टेल्सिस, और जो ये है क्योंकि ये दोबारा से माउथ में आ रहा है, रिवर्स पेरिस्टेल्सिस कहाँ पे गया? माउथ में। माउथ में क्या हो रहा है? च्यूइंग ऑफ, च्यूइंग ऑफ कड। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ पे आया बेटा माउथ से? यस, ईसोफेगस में तो आया ही आया, और फिर आ गया रेटिकुलम में। रेटिकुलम से फिर कहाँ गया? ओमेसम। ओमेसम से कहाँ गया? एबोमेसम। एबोमेसम में क्या हो रहा है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और फिर एबोमेसम से कहाँ पे गया बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ फैट, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन हो रही है। जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में गया, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर फीसेस या इजेशन थ्रू एनस। इज इट क्लियर? ठीक है, सो डाइजेशन इन एनिमल समझ में आया आपको? और अब आपने क्या करना है बेटा, बहुत ही जरूरी है, आपको समझ में आ गया, आपने लिखा तो कुछ है नहीं, मैम ने समझाया वो लिखा हुआ था, तो इसलिए आज आपने घर जाके ये रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देखना है बेटा, क्योंकि जब सुन लोगे ना एक बार दोबारा से तो ये सब चीजें याद हो जाएगी, और फिर आपने क्या कर लेना, पेपर में आप बहुत अच्छा कर पाओगे। इज इट राइट? ठीक है बेटा, चलिए, ओके बेटा, बाय बाय।